हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और इजी चैप्टर है स्टूडेंट्स। इसके अंदर डेफिनेशंस और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, आपके टेक्स्ट बुक के ही है, तो ये जो पॉइंट्स है वो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर अंडरलाइन करने हैं और ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आपको नोटबुक के अंदर लिखने हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड, द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वर्ड जियोमेट्री, जियोमेट्री इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स और दिस वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड, जो दो वर्ड का बना है, एक जियो, जियो मीन्स अर्थ, जियो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अर्थ। एंड सेकेंड इज मैट्रीन, मैट्रीन का मतलब होता है टू मेजर, उसको मेजर करना। सो द फर्स्ट पॉइंट मीन्स वॉट, द वर्ड जियोमेट्री मतलब क्या होता है? जियो मतलब अर्थ और मैट्रीन का मतलब मेजर, मतलब जियोमेट्री अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम नीड ऑफ मेजरिंग द लैंड। सो द जियोमेट्री मीन्स वॉट, इट इज अ नीड फॉर मेजरिंग द लैंड। जियोमेट्री क्यों ओरिजिनेट हुआ, क्यों डेवलप्ड हुआ? कि पहले के ज़माने में इसको लैंड को मेजर करने के लिए यूज होता था स्टूडेंट्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर द रिवर नाइल ओवरफ्लोड इन इजिप्ट, इट वाइप्ड आउट द बाउंड्रीज बिटवीन द एडजॉइंट फील्ड्स ऑफ डिफरेंट लैंड ओनर्स। सपोज स्टूडेंट्स, आप देखो यहाँ पे जमीन है, राइट? लेकिन जब बाढ़ आती थी पानी के अंदर, नाइल जो नदी थी वो, उसमें बाढ़ आती थी, तो ये जो बाउंड्रीज है ना वो सब क्या हो जाती थी? रिमूव हो जाती थी, राइट? अब बाढ़ के बाद, फ्लडिंग के बाद पता नहीं चलता था कि ये किसकी जमीन है, तो ये सब चीजें वापस बाउंड्री ड्रॉ करने के लिए जियोमेट्री टेक्निक्स यूज होती थी स्टूडेंट्स, राइट? सो इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट द एक्सकवेशन ऑफ एट हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो एटसेट्रा शोज द इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ जियोमेट्री। हरप्पा और मोहनजोदड़ो की जो एक्सकवेशन के टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी जियोमेट्री का सबसे ज़्यादा यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि इट वॉज हाईली ऑर्गेनाइज सोसाइटी, उस टाइम के जो घर थे, सोसाइटीज थी, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज थी। ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि वहाँ पे जो गटर की लाइंस थी वो भी सब ऑर्गेनाइज थी, वेल डेवलप्ड प्लान था, राइट? सो द सिटीज वेर हाईली डेवलप्ड एंड वेरी वेल प्लान्ड। फॉर एग्जाम्पल, उसका एक एग्जाम्पल है कि द रोड्स वेर पैरेलल टू ईच अदर, रोड्स जो है वो एक दूसरे को पैरेलल थे, वो पूरे वहाँ पे जो नगर था उसके अंदर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम थी, पानी को निकालने की, वेस्ट वाटर को रिमूव करने की प्रोसेस थी, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। The house had many rooms of different types, अलग अलग types के बहुत ही ज़्यादा rooms थे एक house के अंदर। और students, वो जो town था ना, उसके जो कारीगर थे वो practical arithmetic और mensuration में बहुत ही skilled थे, मतलब एक एक चीज़ मेजर करके बनाया था वो पूरी society, right? The bricks used for constructions were keen fired जाता है, राइट? और वो जो ब्रिक थी ना, उसका जो रेशियो था, किस चीज का रेशियो? लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। द लेंथ जेम ब्रेथ जेम थिकनेस ऑफ द ब्रिक वॉज फाउंड टू बी 4:2:1। तो याद रखना ये स्टूडेंट्स, ये अंडरलाइन करना आपकी टेक्स्ट बुक में या तो पॉइंट्स में, ये क्वेश्चन आ सकता है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ, द रेशियो ऑफ ब्रिक्स of length, breadth and thickness was found to be what? 4:2:1। Clear students? ये मैंने आपके टेक्स्ट बुक में से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, जो एग्जाम्स के अंदर MCQs या शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकते हैं, उसके रिलेटेड मैंने ये PDF बनाई है स्टूडेंट्स, राइट? यू हैव टू राइट ऑल दिस पॉइंट इन योर नोटबुक एंड अंडरलाइन दिस थिंग एंड लर्न इट, राइट? रिमेंबर दिस पॉइंट। आफ्टर दैट देयर इज वन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज षड्यंत्र। आप सबने स्टूडेंट्स देखा होगा श्रीयंत्र के बारे में,
श्री यंत्र कंसिस्ट ऑफ 9 इंटरवोवन आइसोस्केलस ट्राइंगल, कितने ट्राइंगल है स्टूडेंट्स उसके अंदर? 9 पूरे यंत्र में। आपने देखा होगा कि मंदिर या टेंपल में जहाँ पे गॉडनेस की जो फोटोज होती है, स्पेशली अंबे मात की, राइट, तो उसके नीचे एक श्री यंत्र होता है, राइट, या तो आपने देखा होगा। तो श्री यंत्र में 9 इंटरवोवन आइसोस्केलस ट्राइंगल्स होते हैं। आइसोस्केलस ट्राइंगल का मतलब क्या, जिसमें दो साइड सेम होती है, ऐसे 9 इंटरवोवन ट्राइंगल्स है। और ये 9 इंटरवोवन ट्राइंगल्स इस तरीके से अरेंज किए हैं उसके अंदर, जिससे टोटल 43 सब्सिडियरी ट्राइंगल्स बनते हैं। कितने ट्राइंगल्स बनते हैं स्टूडेंट्स? 43 सब्सिडियरी ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं। तो इसमें से दो क्वेश्चन पूछ सकता है, आ सकते हैं कि द श्री यंत्र ट्राइंगल्स आर अरेंज्ड सच दैट, सो हाउ मेनी सब्सिडियरी ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड? 43 ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है ना स्टूडेंट्स? सो दिस ऑल एग्जांपल्स, हमने जो भी आगे एग्जांपल्स डिस्कस किए, दिस एग्जांपल शोज दैट जियोमेट्री वॉज बींग डेवलप्ड एंड अप्लाइड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सभी जगह पे जियोमेट्री का यूज हो रहा है, बट दिस वॉज हैपनिंग इन अनसिस्टमेटिक मैनर। उसकी कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं थी, कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स यहां तक? ओके, द नेक्स्ट इज द जियोमेट्री डेवलप्ड बाय इजिप्टियंस। किसने डेवलप किया था? इजिप्टियंस ने डेवलप किया था। मेनली कंसिस्ट state of statements of results, but there were no general rules of procedure. Developed उन्होंने किया, लेकिन एक procedure नहीं थी कि उसे कैसे apply करते हैं, कोई general rule नहीं था, right? But in civilizations like Greece, they emphasize was on the reasoning behind why certain construction work. उनको ये जानने में ज़्यादा दिलचस्पी थी कि ये ऐसा क्यों हुआ। Egyptians सिर्फ use कर लेते थे कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। उन्होंने डेवलप किया जियोमेट्री, बट कोई सिस्टमेटिक मैनर में नहीं था। उनको ये मालूम नहीं था कि, या कोई जनरल प्रोसीजर मालूम नहीं थी कि ये क्यों ऐसा होता है। जबकि ग्रीस के जो लोग थे वो ज़्यादा किस पे फोकस करते थे कि ये क्यों हुआ। सो द ग्रीक वेर इंटरेस्टेड इन एस्टेब्लिशिंग द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट दैट दे डिस्कवर्ड यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग। तो उनको ये फाइंड करने में दिलचस्पी थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट स्टूडेंट्स? सो द फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स इज क्रेडिटेड विद द गिवन द फर्स्ट नोन प्रूफ इन्होंने पहला प्रूफ दिया, राइट? और ये प्रूफ का स्टेटमेंट क्या है हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स। दिस प्रूफ वॉज द स्टेटमेंट दैट अ सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। मतलब एक सर्कल जो है वो उसके डायमीटर से बाइसेक्ट होता है। बाइसेक्ट मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों कैसे पोर्शन हो जाएंगे? इक्वल पोर्शन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे स्टूडेंट्स? इक्वल, राइट? सो व्हाट इज द स्टेटमेंट दैट इज गिवन बाय थेल्स? अ सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। तो ये क्वेश्चन भी ब्लैंक्स में आ सकता है स्टूडेंट्स की, सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर वाज द स्टेटमेंट व्हिच इज गिवन बाय ब्लैंक दैट इज थेल्स। तो थेल्स ऐसे पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फर्स्ट प्रूफ दिया था, ठीक है? और हम सब जानते हैं वन ऑफ द थेल्स मोस्ट फेमस प्यूपिल्स वॉज पाइथागोरस। थेल्स का मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट्स कौन था? पाइथागोरस, जिसके बारे में हम जानते हैं, अभी पढ़ते हैं, क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है द मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट्स ऑफ थेल्स इज ब्लैंक, तो क्या आएगा? पाइथागोरस। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, एट दैट टाइम यूक्लिड अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। यूक्लिड एक मैथमेटिक्स के टीचर थे, कहाँ पे? इजिप्ट के अंदर, अलेक्जेंड्रिया के अंदर। ही कलेक्टेड ऑल द नोन वर्क्स, उन्होंने सभी जगह से ये जो जियोमेट्रिक रिलेटेड जो वर्क था वो कलेक्ट किया और उसको एक प्रॉपर मेथड में, प्रॉपर बुक के अंदर अरेंज किया, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स। उसको क्या कहा? वो एक जो बनाई उसको एलिमेंट कहा। ही डिवाइडेड एलिमेंट्स इंटू 13 चैप्टर, उन्होंने ये एलिमेंट को कितने चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया? 13 चैप्टर्स। और ईच
रखने हैं, क्या क्या पढ़े पहले कि ब्रिक का जो रेशियो था लेंथ जेम ब्रेथ जेम वेट थिकनेस का वो क्या था 4:2:1, क्लियर। फिर श्रीयंत्र का डिस्कस किया, तो श्रीयंत्र में कितने इंटरवोवन ट्राइंगल्स हैं 9, कैसे आइसोस्केलस ट्राइंगल है स्टूडेंट्स राइट, और ये ट्राइंगल्स ऐसे अरेंज है जिससे 43 सब्सिडरी ट्राइंगल्स बनते हैं, क्लियर है ओके। डेवलप जियोमेट्री किसने किया था, इजिप्टियंस ने, लेकिन उनको कोई सिस्टमेटिक मैनर मालूम नहीं थी कि ये क्यों ऐसा हो रहा है राइट तो ग्रीक जो ग्रीक के सिविलाइजेशन थे उनको ये इंटरेस्ट था और उन्होंने फाइंड करने में दिलचस्पी जगाई। द फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन दैट थेल्स, जिन्होंने फर्स्ट प्रूफ दिया, और वो प्रूफ का स्टेटमेंट क्या था कि सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर, ठीक है। और थेल्स का एक पॉपुलर स्टूडेंट दैट इज पाइथागोरस, क्लियर। और उसी टाइम पे यूक्लिड नाम के एक मैथमेटिशियन मैथमेटिक्स के टीचर थे, कहाँ पे, अलेक्जेंड्रिया के अंदर, इजिप्ट के अंदर। उन्होंने ये सारा कलेक्ट वर्क जो है वो कलेक्ट किया और एक चीज़ बने जिसको हमने उन्होंने एलिमेंट्स बोला, और एक एलिमेंट के अंदर उन्होंने 13 चैप्टर्स डाले जिसको हम बुक कहते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, बहुत ही छोटा चैप्टर है तो इसको दो वीडियो में हम डिवाइड करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड सम डेफिनेशंस राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल। थैंक यू।